भारत में बने तापस ड्रोन में जैसे ही बदलाव की खबर आई, वैसे ही भारतीय सेना ने एक के बाद एक तापस ड्रोन के ऑर्डर भेज डाले। भारतीय सेना के अलावा नौसेना और वायुसेना ने तापस ड्रोन को खरीदने की रुचि दिखाई है। भारत के ड्रोन अपनी खासियत की वजह से लाइमलाइट में आ गया है। तापस ड्रोन खुद ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ये रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस सार ईओ जैसे काम कर सकता है। अगर टारगेट तय कर दिया जाए तो ये लेजर बीम डालकर उसे रोशन कर सकता है, जिसके बाद लेजर गाइडेड मिसाइल फाइटर जेट से हमला किया जा सकता है। और अब इसी खूंखार ड्रोन को खरीदने के लिए वायुसेना और नौसेना ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मध्यम ऊंचाई वाले लंबे सहन शक्ति वाले तापस ड्रोन में खास रुचि दिखाई। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन की क्षमताओं और सेवाओं में इसकी भूमिका के बारे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के साथ चर्चा भी हुई है। ड्रोन को लेकर अधिकारियों ने कहा कि DRDO द्वारा दो तापस ड्रोन को अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र में परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना को सौंपने की भी संभावना है। अगर परीक्षण सफल होते हैं तो 10-12 ड्रोन के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना इस मुद्दे पर आगे का फैसला लेने से पहले अन्य मुद्दों के साथ साथ ड्रोन के प्रदर्शन को भी देखेगी। बता दें, तापस को अमेरिका के जनरल अटोमिक्स के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन जैसा ही बनाया गया है। अमेरिकियों ने प्रेडेटर ड्रोन को सर्विलांस से लड़ाकू बना दिया। ये ड्रोन हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के जरिए हमला कर सकता है, यानी तापस को भी आने वाले वक्त में किलर ड्रोन बनाया जा सकता है। अगर तापस की खासियत की बात करें तो ये ड्रोन 9.5 मीटर लंबा और 20.5 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 1800 किलो है। ये 130 से 180 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है। वही तापस की टॉप स्पीड की बात करें तो तापस 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके साथ ही तापस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक टिक सकता है। वही करीब 1,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में रक्षा बलों के साथ मिलकर तापस ड्रोन का परीक्षण किया था। इस टेस्ट ट्रायल में तापस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा। जानकारी के मुताबिक तापस ड्रोन 18 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में कामयाब रहा। हालांकि तय किए गए मानकों के अनुरूप इसका प्रदर्शन नहीं रहा, तो अब तापस ड्रोन के डिजाइन में सुधार किया जाएगा। और इस खबर के आते ही तीनों सेनाओं ने इसमें अपनी खास रुचि दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।